नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सैम सपोर्ट में। दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी आपका वीडियो का जो व्यूज़ होता है, अगर कम आता है तो वो किस पे डिपेंड होता है? वो मोस्टली अगर देखा जाए तो थंबनेल के ऊपर डिपेंड होता है। अब कैसे, चलो ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। जब हम किसी टॉपिक पे वीडियो सर्च करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल सा टॉपिक पकड़ लेते हैं कि हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, अगर मुझे इसके रिलेटेड अगर कोई वीडियो देखना है तो जब मैं यूट्यूब के सर्च पैनल में जाता हूँ और इस टॉपिक को डाल के सर्च करता हूँ, तो वहाँ पे जो भी सर्च लिस्ट में जो भी रिजल्ट आते हैं उसमें हम उस वीडियो पे सेलेक्ट करते हैं जो थोड़ा अच्छा दिखता है, यानी कि जिसका अच्छे से थंबनेल बनाया हुआ होता है, जिसके थंबनेल में जो फॉन्ट होते हैं इधर उधर होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं या तो सही से उसको मैनेज करके वहाँ पर दिखाया नहीं जाता है, तो हम वैसे थंबनेल पर क्लिक नहीं करते हैं। इससे आपको क्लियरली समझना चाहिए कि अगर आपको अच्छे व्यूज़ चाहिए तो आपको एक अच्छा थंबनेल बनाना पड़ेगा जो कि काफ़ी कैची हो, क्लियर हो, विजिबल हो, दिखने में काफ़ी अच्छा प्रेजेंट हो। साथ में आपके वीडियो की भी टाइटल भी अच्छी रखनी होती है, वह तो मुझे लगता है कि आप लोग रखते होंगे, लेकिन अगर थंबनेल अगर अच्छा आप नहीं बनाते हो तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट बनाओ, कितना भी अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट बना के रखो, कोई आपके वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि जब उसको थंबनेल उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है तो वो आपके वीडियो पर पहुँच ही नहीं रहा है। अगर जब पहुँच नहीं रहा है, आपके वीडियो को देख ही नहीं पा रहा है, तो कैसे आपका वीडियो डिस्कवर होगा, कैसे ऑडियंस रिटेंशन गेन करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि आपको अपने वीडियो तक लोगों को लाने के लिए कम से कम एक अच्छा थंबनेल बनाना तो पड़ता ही है। तो वह थंबनेल कैसे बनता है? अगर आप मेरे वीडियो के थंबनेल देखोगे तो काफ़ी क्लियर होते हैं, विजिबल होते हैं, और जो भी मैं यहाँ पे अपना जो भी टॉपिक रखता है उसको अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो का जो थंबनेल होगा उसको अगर दूर से देखोगे तो उसमें क्या लिखा होता है वो क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि मैं जो उसके फॉन्ट होते हैं उसको थोड़ा बड़े रखता हूँ, ताकि आप दूर से भी देखो तो क्लियरली पता चले कि मैं इस वीडियो में क्या दिखा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, और जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा इस समय ऑडियंस रिटेंशन और अच्छा खासा इंप्रेशन मिलने शुरू हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस तरह से मैं थंबनेल जो है मेरा वह केवल 2 मिनट में और किस एप्लीकेशन से बनाता हूँ। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने मोबाइल डिस्प्ले में, और यहाँ पे जाके आप भी सीख सकते हो किस तरह से मैं अपना थंबनेल बहुत ही कम समय में बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही कैची कैच किस तरह से बनाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल डिस्प्ले पे, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैं अपने यूट्यूब के जो वीडियोस के जो थंबनेल होते हैं उसको किस तरह से यहाँ पे मैं डिज़ाइन करता हूँ, किस तरह से मैं बनाता हूँ। इसके लिए मुझे एक सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है एक एप्लीकेशन की। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर जाकर आपको डालना पड़ेगा पिक्सल लैब, मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं डायरेक्टली इसको ओपन करूँगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप जाके इसको पहले डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड करोगे, इसको करोगे ओपन, तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलता है। अब हमको नॉर्मली क्या करना है, इस जो न्यू टेक्स्ट आता है इसको करना है डिलीट। डिलीट करने के लिए ऊपर देख सकते हो डिलीट का बॉक्स है, यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है और कर लेना है इसको डिलीट। साइज़ यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी स्क्वायर कलर का स्क्वायर है, लेकिन हमें थंबनेल में स्क्वायर साइज़ नहीं लेना है, इसलिए हमको यूट्यूब की थंबनेल की यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए ऊपर राइट में देख सकते हो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर करना है सेलेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइज़ है इमेज साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर करना है सेलेक्ट। यहाँ पर कस्टम लिखा है तो कस्टम की जगह हमें यहाँ पर कर लेना है यूट्यूब थंबनेल। यहाँ जैसे यूट्यूब थंबनेल करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें एक बैनर देखने को मिल जाता है। अब हमको यहाँ पे चेंज करना है अपने इसका कलर। इसका कलर चेंज करने के लिए हमें ऊपर देख सकते हो लेफ्ट लेफ्ट में ऊपर दिया है एक प्लस का आइकॉन, यहाँ पे हमको करना है सेलेक्ट, और यहाँ पे सेव करके ऑप्शन है, सेव पे हमको करना है क्लिक। सेव पे क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह का आपको सेव देखने को मिलता है, इसको कर लेना है सेलेक्ट। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे लाइन दिया है, इससे बढ़ा सकते हैं हम लोग, पूरा बढ़ा के इसको पूरी तरह से कवर करना है। कवर करने के लिए इसको कितना भी इसका साइज़ बढ़ा कर सकते हो। साइज़ बढ़ा करने के बाद कुछ इस तरह से हमको इसको करना है फिक्स। जैसे यहाँ पे मैं फिक्स करता हूँ, देख सकते हो मेरा इसमें पूरा वाइट से वाइट हो गया। अब हमको यहाँ पे नीचे देख सकते हो कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, इसको जाना है नीचे। नीचे जाते जाते यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कलर ऑप्शन दे रहा है, यहाँ कलर ऑप्शन में हमको सेलेक्ट करना है ब्लैक। जैसे मैं ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और हमको यहाँ पे ऊपर राइट का क्लिक करके इसको कर लेना है सेट। यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे हो गया है सेट। अब हमें सेलेक्ट करना है अपनी टॉपिक। मेरा टॉपिक जैसे कि मैं YouTube से रिलेटेड बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो, तो मेरा भी यहाँ पे हो जाएगा कि YouTube से लाइव चैट कैसे करें, इस टॉपिक को मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए हमको करना होगा 2 फोटो सेलेक्ट, या 3 फोटो भी सेलेक्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जो टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वहाँ पे कर लेना है फ़ोटो डाउनलोड।
तो यहाँ पे मैं चलो मैं ले लेता हूँ अपने फ़ोटो अपने टॉपिक के रिलेटेड। गैलरी में यहाँ पे दो मैंने फ़ोटो सेट करके रखा है, यहाँ पे देख सकती हूँ मेरे दो फ़ोटो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लाइव चैट करने के लिए बना रहा, तो एक लाइव चैट का मेरा आइकॉन ले लेता हूँ कि यूट्यूब पे लाइव चैट कैसे करें हेल्प के लिए। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आ गया, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा छोटा और इसको यहाँ से कर लेता हूँ थोड़ा और पतला। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया यहाँ पे फिक्स कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैंने इसको इस फ़ोटो को कर लिया फिक्स। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना दूसरा फ़ोटो। दूसरा फ़ोटो मेरा लाइव चैट तो हो गया, मैंने जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था लाइव चैट, तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया। अब किस चीज़ का लाइव चैट, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड। तो इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप थोड़ा सा, ये ज़्यादा है, इसको कर लेता हूँ क्रॉप। क्रॉप करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब इस फ़ोटो को भी मैं इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा दोनों फ़ोटो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे डालना है अपने लेटर्स, यानी कि अपने वर्ड्स क्या इसमें मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको करना होगा, नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक कलर का एक ए लिख के एक बटन दिया रहेगा, आपको इस पर करना है सेलेक्ट। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है दो ऑप्शन, टेक्स्ट और कोड्स। तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जाने के बाद हमको डालना है, जैसे कि मैं यूट्यूब से यूट्यूब लाइव चैट को लेके अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लिखूँगा यूट्यूब टीम से लाइव बात करें, यानी कि यूट्यूब टीम और से हिंदी में मैं रखता हूँ क्योंकि मेरा मोस्टली वीडियो हिंदी में है। YouTube टीम से इतना लिखा और इसको मैं फिक्स कर लिया बीच में। अब इसके बाद हमको यहाँ पे देख सकते हो जो ऑप्शन मिल रही है ए में, इसको आगे करना है। यहाँ पे साइज करके एक बटन लिखा है, साइज को हमको करना है थोड़ा बड़ा। अब इसको फिर जो राइट है इसको सेलेक्ट करना है। अब इसका कलर देना है हमको येल्लो, ताकि थोड़ा विजिबल हो। आप कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हो। येल्लो मैं इसलिए सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे येल्लो आ गया। अब मुझको यहाँ पे चेंज करना है अपने फॉन्ट। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो मैं राइट लेता हूँ, यहाँ पे ए बी लिख के आ रहा है फॉन्ट करके, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको सेलेक्ट जो फॉन्ट करना है वो करना है रोबोटो। मैं यहाँ पे रोबोटो ले लेता हूँ, वो काफ़ी अच्छा होता है। मैं देख लेता हूँ मतलब रोबोटो कहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे रोबोटो रेगुलर करके है फॉन्ट, इसको कर लिया मैं सेलेक्ट। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा यह जो कंटेंट है वो दिखने लगा। अब इसको करना है हमको बोल्ड। बोल्ड करने के लिए यहाँ पे बी लिख के आया है, इस स्टाइल पे सेलेक्ट करना है। बी लिख के यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया सेलेक्ट यूट्यूब टीम से, ऐसा कुछ करके यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको थोड़ा और मतलब कि बोल्ड करना है। थोड़ा और बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक का आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रोक को इनेबल करना होता है। स्ट्रोक को जैसे इनेबल किया और जिस कलर में हमने ऑलरेडी अपना कंटेंट लिया है उसी कलर को यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे, यानी कि सेम कलर। और इसको थोड़ा सा और कर लेंगे, यहाँ से थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में और अच्छा हो जाए। साइज में जाएंगे, साइज करके यहाँ थोड़ा और इसको जूम कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब टीम से, यह काफ़ी इसलिए जूम करता हूँ मैं इसको कि तो दूर से भी कोई देखे तो काफ़ी विजिबल लगे, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे, बहुत आसानी से दिखे यहाँ पे यूट्यूब टीम से। अब हमें लिखना है यहाँ पे लाइव चैट कैसे करें। इसके लिए मैं वापस प्लस पे सेलेक्ट कर सकता हूँ ऊपर, यहाँ पे या तो फिर यहाँ नीचे जो टेक्स्ट करके ऑप्शन है ए पे सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट करके ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब टीम से हो गया लाइव चैट कैसे करें, लाइव चैट। अब हिंदी में लिखता हूँ कैसे करें, कैसे करें। अब इसको करता हूँ ओके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे कलर हमको चेंज करना है। यहाँ पे हम लोगों को कलर वाइट ही रखना है, ताकि दो अलग अलग डिफरेंट कलर रहेंगे तो थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव दिखते हैं। अब यहाँ पे हमको चूज़ कर लेना है अपने फॉन्ट। फॉन्ट मैं लेता हूँ रोबोटो, यहाँ पे देख सकते हो रोबोटो रेगुलर लिखा है, इसको कर लिया सेलेक्ट। बी जो लिखा है बोल्ड स्टाइल, इसको कर लें हम बोल्ड। बोल्ड कर लिए, इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद हमको इसकी साइज़ बढ़ानी है, इसको साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके बीच में लाते हैं, साइज़ और बढ़ा लिए, बस इतना साइज़ इसका रखते हैं, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर आपको इसको और थोड़ा बोल्ड करना है तो उसके लिए आपको करना है वापस वही स्ट्रोक का ऑप्शन, स्ट्रोक के ऑप्शन में जाना है, इनेबल करना है। कलर इस बार हमको चूज़ करना है वाइट। अब इसका भी थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा ब्लरी हो गया, देखो थोड़ा क्लियर करते हैं। हाँ ये अच्छा है,
इतना करके इसको फिक्स कर देते हैं। अब इसको बीच में हमको रखना है, तो बीच में रखने के लिए जो यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन है इस पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो ऊपर मिडल वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसमें भी जाके ऊपर मिडल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैं अपना थंबनेल बनाता हूँ, और इस तरह से मेरा थंबनेल हो गया तैयार। इस तरह से आप देख सकते हो, क्लियरली विजिबल है, दूर से दिखता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है, काफ़ी अच्छा लगता है। केवल 2 मिनट में बनता है, अगर आपको ना यह अच्छे से बनाने आ गया, केवल आप 2 मिनट में बनाओगे। मेरा तो 2 मिनट से भी कम टाइम में ये बन जाता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करते जाता हूँ, मैं ऑलरेडी फोटो डाउनलोड करके रखा रहता हूँ और तुरंत ही बना लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो बनाना था इसलिए मेरा बहुत ही लेंदी हो गया, क्योंकि आपको एक एक स्टेप मुझे समझाना था। तो इस तरह से आप केवल 2 मिनट में अपनी YouTube की थंबनेल बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो। जैसे ही आपका थंबनेल तैयार हो गया, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट इमेज करना है, और इसको कर लेना है सेलेक्ट। और साइज़ इसका जो होता है 1280x720 यानी 720 के आसपास होता है। तो यह आपको सेव टू गैलरी करोगे, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। यहाँ पे मेरा प्रीमियम वर्जन नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐड दिखा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इसी तरह के अच्छे यूज़फुल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप फ्यूचर में भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाओ, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो निकले वह सबसे पहले आपको जरूर मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।